हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ वन प्लस बुलेट्स वायरलेस Z2 ब्लूटूथ ईयरफोन का अनबॉक्सिंग एंड इनडेप्थ रिव्यू। ये मैंने अपने लिए परचेस किया है फ्लिपकार्ट से 1999 रुपए में। कैसा प्रोडक्ट है, आप लेना चाहिए या नहीं चाहिए, कैसा साउंड क्लैरिटी मिलता है, नॉइस कैंसिलेशन कैसा है, बैटरी बैकअप कैसा है, सब चीज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना। चलो गाइस इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस तरीके के फ्लिपकार्ट के ये पैकेट में आया हुआ है, तो चलो इस पे कट लगाते हैं। अंदर मैं आपको बिल निकाल करके दिखाऊंगा कि कितना प्राइस मुझे इसका देना पड़ गया है। चलो मेरा अनबॉक्सिंग नाइफ और इस पे कट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं ओपन करके। सो गाइस देख सकते हो वन प्लस का क्लासिक रेड कलर का बॉक्स हमें यहाँ नज़र आ रहा है। चलो इसे निकाल लेते हैं वाइट एंड रेड कलर के कॉम्बिनेशन में। तो ये रहा बॉक्स है, निकल जाता है वन प्लस बुलेट वायरलेस Z2 ईयरफोन का ये डब्बा एंड इसके अंदर ईयरफोन है। और हमें साथ में एक बिल देखने को मिल जाता है जिसपे प्राइस मेंशन है 1999 रुपीस, यानी कि 2000 रुपए का ये ब्लूटूथ ईयरफोन मैंने परचेस किया है ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से। आपको फ्लिपकार्ट अमेजोन दोनों पे ये मिल जाएगा। एंड ये मैंने इसलिए चूज किया ना क्योंकि वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। अगर आप सस्ते ईयरफोन लेते हो तो बार बार खराब होते जाएंगे, तो एक बार लो महंगा वाला या बार बार सस्ता वाला लो, एक ही बार पड़ जाता है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है इसलिए मैंने अच्छे ईयरफोन में इन्वेस्ट किया। तो ये एकदम लेटेस्ट ईयरफोन है वन प्लस की तरफ से। इससे पहले वन प्लस जेड वाला एक मॉडल आता था, तो ये मैजिको ब्लैक कलर में मैंने इसे ऑर्डर किया है। एंड यहाँ पर अगर प्राइस की बात करो तो 2299 यानी कि 2300 रुपए मेंशनड है, बट ये मुझे पड़ा है 2000 रुपए का। तो काफी सही प्राइस में ये आता है। चलो इसे अनपैक करते हैं, इसके ऊपर की स्ट्रैप को निकालते हैं एंड देख लेते हैं हमारे अंदर के क्या क्या बॉक्स कंटेंट हमें देखने को मिल जाते हैं। सो ये रहा गाइस बॉक्स, काफ़ी क्लासिक सा है। यहाँ पे हैंडल दिया गया है इसे पकड़ने के लिए। वन प्लस के यहाँ पे आपको लोगो देखने को मिल जाता है वन प्लस बुलेट्स वायरलेस Z2 एंड इस तरीके का कुछ ये इमेज बना हुआ है। एक बहुत ही प्लेन सा बॉक्स है, पीछे स्पेसिफिकेशंस मेंशनड है। बॉक्स कुछ इस तरीके से ओपन होता है एंड ये स्लाइड होके निकल जाएगा। ये रहा आप देख सकते हो ब्लैक कलर मैंने परचेस किया था एंड काफ़ी सही सा लुक आ रहा है पैकेजिंग में। सच में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग तरीके से वन प्लस ने इसे पैक करके भेजा है। पैकेजिंग बहुत सुपर, बहुत ही प्रीमियम है। तो ये रहा गाइस कुछ इस तरीके से ये पैकिंग किया गया है। इसको पहले निकाल लेते हैं, देख लेते हैं हमें बॉक्स कॉन्टेंट और क्या क्या मिल जाता है। तो ये रहा इस तरीके का है एंड आपको इसमें बाकी एक्सेसरीज देखने को मिलते हैं। तो हमें एक मिल जाता है एक बॉक्स जिसमें लिखा हुआ है चार्ज फॉर 10 मिनट्स एंड एन्जॉय 20 आवर्स ऑफ प्लेबैक। वाओ, चलो इसे निकाल के देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है। तो हमें एक मिल जाता है इसके साथ एक यूजर मैनुअल, एक रेड केबल क्लब का कार्ड मिल जाता है हमें, एक मिनी टाइप ए टू टाइप सी केबल मिल जाता है हमें इसे चार्ज करने के लिए। एंड बहुत ही प्रीमियम सा लग रहा है, इसका वायर का क्वालिटी काफी सही ही यूज किया गया है। एंड लास्टली हमें मिलते हैं कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे ईयर टिप्स अलग अलग डिफरेंट ईयर साइजेस के लिए। सो ये रहा गाइस हमारा मेन ईयरफोन, इस तरीके से कुछ पैक किया गया है। चलो इसे यहाँ से निकाल लेते हैं। सो ये रहा एंड जहाँ भी ये लॉक किया गया है इस तरीके से हमें निकाल लेना है। मैजिको ब्लैक कलर है ये एंड वायर की बात करूँ ना तो मुझे टच करते ही काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम सा एंड सॉफ्ट सा फील आ रहा है। सो ये रहा गाइस काफ़ी प्रीमियम सा लग रहा है ये ईयरफोन। ब्लैक कलर में मैंने ऑर्डर किया था एंड ये प्लास्टिक बॉडी है इसके ऊपर। यहाँ पे आपको ना एक बटन्स मिल जाते हैं प्लस वॉल्यूम बढ़ाने के लिए, ट्रैक चेंज करने के लिए, एंड माइनस से आप ट्रैक पीछे कर सकते हो या फिर वॉल्यूम माइनस कर सकते हो। बीच में आपको कॉल एंड एंड कॉल कट करने के लिए बटन दिया गया है जिसको आप पावर ऑन ऑफ बटन की तरह यूज़ कर सकते हो। एक यहाँ पे आपको हल्का सा एक LED इंडिकेटर दिया गया है। नीचे आपको टाइप सी चार्जिंग का पोर्ट मिल जाता है जहाँ से आप इसे चार्ज कर सकते हो। जहाँ तक बात करें यहाँ पे इसके नेक बैंड की, तो बहुत ही सॉफ्ट सा यहाँ पे रबर यूज़ किया गया है एंड बहुत ही प्रीमियम से यहाँ पे फील हो रहा है इसे टच करने में। एक स्मूथनेस यहाँ पे फील हो रहा है। यहाँ पे आपको वन प्लस का बैजिंग देखने को मिल जाता है, स्ट्रॉन्ग वायर का यहाँ पे यूज किया गया है। बात करें ईयर टिप्स के, तो ईयर टिप्स पे देख सकते हो ग्लॉसी कलर में दिया गया है, ग्लॉसी ब्लैक में, एंड ये मैग्नेटिक काफी स्ट्रॉन्ग टिप्स है। ये काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से यहाँ पे तुरंत कनेक्ट हो जा रहे हैं। जहाँ तक बात करें हेडफोन की लेंथ की, तो काफी सही लग रहा है। तो चलो इसको साउंड टेस्ट कर लेते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि कैसा इसमें आपको साउंड मिल जाता है। तो गाइस कनेक्ट करने के लिए सिंपली आपको अपने फोन के यहाँ पे ब्लूटूथ में चले जाना है। तो मैं आपको ले चलता हूँ अपने फ़ोन के ब्लूटूथ में, ये रहा, एंड ब्लूटूथ आपको ऑन कर लेना है। ब्लूटूथ ऑन करने के बाद यहाँ पे आपको ना नया फ्रेश डिवाइस आपको सर्च करना है। तो अभी आप मेरे स्मार्ट वॉच का यहाँ सर्च कर रहा है। सो गाइस जैसे आप इसके मैग्नेटिक टिप को अलग करोगे ना, यहाँ पे बहुत ही फास्ट यहाँ पे वन प्लस बुलेट्स वायरलेस Z2 आ गया है। इसको यहाँ पे कनेक्ट करके पेयर कर लेते हैं, सारे परमिशन यहाँ पे अलाउ कर देते हैं तो ये बार बार नहीं पूछेगा एंड क्विकली यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। देख सकते हो सिर्फ 2 सेकंड में ये कनेक्ट हो चुका है, 70% बैटरी स्टेटस शो कर रहा है। तो काफ़ी इजी था इसे कनेक्ट करना, बहुत सिंपल तरीके से आप इसे कनेक्ट कर सकते हो। आपको कोई भी पावर बटन दबाना नहीं है, बस मैग्नेटिक टिप्स को अलग रखना है एंड ये स्विच ऑन हो जाता है। यहाँ पे इंडिकेशन लाइट आपको देखने को मिल सकता है, एक वाइट कलर का इंडिकेशन लाइट यहाँ पे आप देख सकते हो, अभी ग्लो एंड ब्लिंक कर रहा है।
सो गाइस इसे मैं आपको पहन के दिखाता हूँ, बहुत सही तरीके से यहाँ पे फिट आ रहा है। इस तरीके से आपको बस डालना है तो बहुत ही कंफर्टेबल लग रहा है, बहुत ही लाइट वेट है, ऑलमोस्ट 26-28 ग्राम्स तक का ये है, बहुत ही हल्का वेट का है, बहुत ही लाइट वेट है, देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। तो इसमें ना आपका जल्दी टेंगल आने वाला नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग रबर एंड प्लास्टिक का यूज़ किया गया है। एंड जैसे मैंने इसे डाला है ना तो यहाँ पे AI एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन आपको मिल जाता है। डालते ही मुझे सराउंडिंग का जो नॉइस है बहुत ही कम हो गया एंड बहुत सही यहाँ पे नॉइस कैंसिलेशन देखने को मिल रहा है। फिट की बात करो तो फिट बहुत ही सही सा लग रहा है, आप देख सकते हो, एंड काफी स्टाइलिश एंड काफी अमेजिंग डिजाइन के साथ ये ईयरफोन आता है। मैं आपको यहाँ पे अपना सर को हिला के दिखाता हूँ कि क्या ये निकल जाएगा, क्या ये फॉल ऑफ करेगा। भाई बिल्कुल नहीं निकल रहा है, तो काफी अच्छा फिट आपको मिलने वाला है, आपको बहुत सही यहाँ पे ग्रिप देखने को मिलता है। मैं कितना भी यहाँ शेक कर रहा हूँ ना, ये बिल्कुल भी निकल नहीं रहा है, तो काफी सही आपको मिलता है इस ईयरफोन का ग्रिप एंड डिजाइन। तो गाइस मैंने इसे अपने फोन से कनेक्ट कर लिया है, चलो मैं आपको इसका साउंड सैंपल सुनाता हूँ। फिलहाल ये कनेक्ट हो चुका है, इसका वॉल्यूम मैं मैक्स करके सुनूंगा। फुल करने के बाद यहाँ पे आपको बहुत ही अलग सा बीप का साउंड आएगा, एंड उसके बाद यहाँ पे चलो कोई NCS का सॉन्ग प्ले कर लेते हैं ताकि वीडियो में कॉपीराइट ना आ जाए। वो फुल साउंड तो बहुत ज्यादा लाउड है, काफी अच्छा साउंड आउटपुट मिल रहा है गाइस, फुल वॉल्यूम में तो यार बहुत ज्यादा लाउड है। वो क्या बेस है भाई, मिड्स एंड ट्रेबल्स भी बहुत सही आ रहा है इसमें, 70% पे भी काफी ज्यादा लाउड है। नॉइस कैंसिलेशन बहुत अच्छा से काम कर रहा है, आसपास का कोई भी आवाज मुझे नहीं आ रहा फिलहाल। अगर आप एक बेस लवर हो ना तो इससे बेस्ट ईयरफोन आपको नहीं मिलने वाला है, क्या अमेजिंग बेस है। तो देखा गाइस इसमें आपको काफ़ी अच्छा साउंड क्लैरिटी मिलता है। चलो मैं इससे क्विकली कॉल कर लेता हूँ एंड देखता हूँ कि कॉल का वॉल्यूम कैसा जाता है सामने वाले को। कॉल रिकॉर्डिंग को मैं अभी यहाँ पे एडिट करके डाल दूंगा। तो गाइस मैं अभी अपने एक दोस्त को फोन लगा रहा हूँ एंड मैं आपको कॉल क्लैरिटी सुनाता हूँ कि उसको आवाज़ सामने सही से जाता है या नहीं आता है। तो गाइस मैंने यहाँ पे रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दिया। हेलो, हेलो, हाँ तो तुमको आवाज़ कैसा जा रहा है मेरा? बहुत अच्छा आ रहा है, एकदम क्लियर जा रहा है कि आसपास से कोई नॉइज आ रहा है या चिड़िया का आवाज़ आ रहा है, कुछ भी आ रहा है क्या? नहीं पूरा क्लियर आ रहा है, पूरा क्लियर आ रहा है। हाँ जो भी बोल रहे साफ साफ सुनाई दे रहा है। हाँ अच्छा चलो ठीक है भाई, ठीक। रुको रुको रुको, हेलो हेलो, हाँ बोलो। अभी जो ग्राइंडर चला था उसका आवाज कैसा आ रहा था? ग्राइंडर का तो नहीं है, अभी अभी आवाज आ रहा है? ड्रिल करने का कुछ आवाज आ रहा है? नहीं। वाह नहीं, मतलब बहुत अच्छा नॉइस कैंसिलेशन दिया गया है। ठीक है मैं टेस्ट कर रहा था एक ब्लूटूथ ईयरफोन, चलो बाद में बात करते हैं भाई। सो गाइज यहाँ पे आपने ऑडियो रिकॉर्डिंग सुना कितना क्लियर तरीके से मेरा आवाज़ जा रहा था सामने वाले को, एंड मैंने बगल में एक अभी ग्राइंडर चल रहा था, ग्राइंडर मशीन चल रहा था या ड्रिल मशीन, उसका साउंड मैं आपको सुनाता हूँ मेरे माइक से अभी जो रिकॉर्ड हुआ है। अभी अभी आवाज़ आ रहा है? ड्रिल करने का कुछ आवाज़ आ रहा है? काफ़ी सही तरीके से यहाँ पे ये ब्लूटूथ ईयरफोन का जो नॉइस कैंसिलेशन दिया गया है एंड ऑडियो क्लैरिटी काफ़ी अमेजिंग मिलता है। सो गाइज आई होप आपको इस वन प्लस के ब्लूटूथ ईयरफोन का अनबॉक्सिंग एंड इनडेप्थ रिव्यू काफ़ी अच्छा लगा होगा। 2000 का अगर आपका बजट है, आपको अच्छा ईयरफोन चाहिए, ब्रांडेड ईयरफोन चाहिए, ब्लूटूथ नेकबैंड, वन प्लस बुलेट्स वायरलेस Z2 पे जा सकते हो, काफ़ी सही और काफ़ी प्रीमियम ईयरफोन आपको मिलता है। साउंड क्लैरिटी मैंने आपको टेस्ट करा दिया, काफ़ी अमेजिंग साउंड क्लैरिटी देखने को मिलता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो जरूर एक लाइक कर देना। डिस्क्रिप्शन में आपको इसके बेस्ट बाय लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर के आप इसे परचेस कर सकते हो। कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा, शेयर करना इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, इन जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए, जय हिंद जय भारत।